रेस्ट्रॉय कंपनी के बारे में भाई देख, कंपनी का नाम हमने पहली बार सुना था, ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्या रहता है भाई, कंपनी देती है 3 महीने में वीज़ा। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में अप्लाई करोगे तो 3 महीने बाद आपका इनविटेशन लेटर आएगा, उसके बाद आपको एम्बेसी में जाना होता है, वहाँ पे आपकी कुछ फीस कटेगी, उसके बाद आपका वीज़ा स्टैम्प होके वहाँ से आ जाएगा, 10 दिन के अंदर आपकी टिकट आ जाएगी। कंपनी बहुत अच्छी है भाई, लोकेशन का हमें नहीं पता था, टिकट आने पे हमें लोकेशन का पता चला। ठीक है, कंपनी में आप आओगे, उधर से आओगे आप 2.60 2.20 के हिसाब से, लेकिन इधर आके सब लोग सेम हो जाते हैं, और यहाँ पे कोई ट्रेड का चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा, ईंट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, रूम में रेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा भाई, ज्यादा सर्दी होती है तो रूम में रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हाजिरी नहीं लगती, पानी ना। ठीक है भाई, ये भाई ये सामने ये साइड है, हॉस्पिटल बनाया ये यहाँ पे। ठीक है, 6 महीने हो गए हमारे यहाँ पे काम करते हुए। ठीक है भाई, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का काम रहता है कई बार, लेकिन बाहर भी है काम, अंदर बाहर सब काम करना, लेकिन जो अभी मार्च में जो बंदे आएंगे जो उनके लिए मच बेटर रहेगा। उठा रहे हैं वो मजा और कहीं नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। जो लोग मार्च में आएंगे उनके लिए मच बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब विंटर निकल गया है, सर्दी निकल गई है। ये हमारे कुरकुरे हैं, ये बहुत ही भाई भयंकर सर्दी होती है यहाँ पे, बहुत भयंकर, -42 -45 आपके हाथ पैर है ना, मतलब आप ऐसे खोल नहीं पाओगे। अभी ठीक है, आज -6 टेम्परेचर है तो नॉर्मल है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। तो भाई देख रहे हैं सामने साइड है, तो जिसको भी आना है भाई अपना जाओ ऑफिस पे विजिट करो, और उधर जाके अपना CV लगाओ। ठीक है, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाँ, जो भाई एनडी से आना है रसिया में ए ब्रेस्ट्रोई में, तो ऑफिस से आए, अर्जेंट द्वारा नहीं पकड़े, अर्जेंट द्वारा पकड़ेंगे 1.5 लाख 2 लाख हगा लेगा, वहाँ 80,000 में काम होगा आपको। आप निश्चिंत से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ठंडी है लेकिन थोड़ा मेहनत ही से पैसा मिलता है, बिना मजबूरी का पैसा नहीं मिलता है, मेहनत करना ही मिलेगा। हमारा लंच का टाइम हो गया है और अब हम खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। देखते हैं आज इंडियन फूड हमें क्या मिलता है। पहले हमें रशियन फूड मिला करता, अब खाने में बेहतरी हो गई, क्योंकि पहले जो है ना मैं उबला हुआ खाना मिला करता, वो हमें पसंद नहीं था, मगर अब थोड़ा सा खाने में सुधार हुआ है, अब हम वो खाना खा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है मिलता है आज खाने में, कंपनी क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है, क्या चेंजिंग आया है। अब देखो मेरे बुढ़िया को हमें बात कर रही, इसको मैं नमस्ते करेगा जैसे हमारे इंडिया बोलते हैं, बोल देगा मैं 2 चम्मच, एक अपनी थाल ले ली है और मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे सब इंडियन भाई हैं, ये सब खाना वाना ले रहे हैं। रंडी गलत कम, ये देखो है कि सलाद है, ये सलाद है, अब हम सलाद लेके चल रहे हैं, देखो 1 by 1। और सूप ये देवी का है हमारी रीना, ये दाल देगी पासीबा दाल, ये दाल ये दाल है, थैंक यू बोला है इन्होंने, बोला वेलकम। ये हमारा इंडियन फूड आया है, ये हमारा राइस है, ये चिकन है, और उधर ब्रेड रखे हैं, मगर हम चावल और चिकन और दाल ही खाएंगे। और रोटी की जगह, रोटी तो भूल जाओ, रोटी नहीं मिलेगी रशिया में, बस ओनली ब्रेड चावल और ये। अब मैं देख पेट, एक साल हो गए, घंटा पेट नहीं भरता है।